5 कोरियन सीरीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस सारे न्यू कोरियन सीरीज है, और इस सारे कोरियन सीरीज तुम्हें नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। सो नंबर 4 और नंबर 2 मेरी फेवरेट है, पर तुम्हारी भी हो सकती है, मगर इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी पता चलेगी कि कौन सी है वो वेब सीरीज। और हाँ, नंबर 1 सबका बाप है, तो रिक्वेस्ट है आपसे बस उसको मिस मत करना। तो नंबर 5 पे है 2024 में आई ये किलर पैराडॉक्स, क्राइम थ्रिलर पे बेस है सीरीज। तो इस सीरीज में एक लड़का दिखाया जिसका लक चमक उठा, किसी को भी मार दे पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसका साथ भगवान दे रहे हैं, सारे सबूत अपने आप मिट जाते हैं, है ना लकी बॉय। पर कोई भी मरे पुलिस वाले तो आएंगे ही, और आकर उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और जिन पर शक जाएगा उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। तो क्या वह लड़का इन पुलिस वालों से बच पाएगा, यह सब पता चलेगा तुम्हें इस सीरीज को देखने के बाद। तो ये सीरीज स्लो पेस है और काफी खींचा हुआ, जिस वजह से बोरियत महसूस होती है, और इस सीरीज का एक्टर भी मुझे पसंद नहीं आया, बकलोल लड़के को उठा लिया, उससे बढ़िया एक्टिंग तो हम कर लेते हैं। तो इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। तो नंबर 4 पे है 2020 में आई स्वीट होम, हॉरर थ्रिलर एपोकलिप्टिक पे बेस है ये सीरीज। तो इस सीरीज में एक लड़का दिखाया जो अपने घर को छोड़कर भाड़े के घर में रहने चला जाता है कुछ फैमिली इशू की वजह से, और जिस बिल्डिंग में रहने जाता है वहां के लोग धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदलने लगते हैं। अब वहां लोग मॉन्स्टर्स में क्यों बदल रहे हैं, और जो लोग मॉन्स्टर्स नहीं बने वो लोग उनका सामना किस तरह करेंगे, और अचानक से नॉर्मल लोगों के मॉन्स्टर्स बनने का रीजन क्या है, इन्हीं मिस्ट्री को जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। तो देखो, ये अचानक से लोगों के मॉन्स्टर्स बनने का रीजन तो सीजन 2 में भी नहीं बताया, पर मुझे जहां तक लगता है ये किसी तरह का श्राप है जो अच्छे और बुरे कर्मों के ऊपर निर्भर है, और इन्हीं वजह से लोग मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हो। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.3 out of 10। नंबर 3 पे है 2023 में आई सॉन्ग ऑफ द बैंडिट, एक्शन एडवेंचर पे बेस है सीरीज, जिसकी स्टोरी सेट है 1920 की टाइमलाइन, और इस सीरीज में भी जापानीज मिलिट्री कोरियन को अपने कब्जे में लेके बैठे हैं, जिस वजह से वहां रह रहे लोगों पे जापानीज काफी अत्याचार कर रहे होते हैं, कोई भी उन्हें कभी भी आके मार जाता है। तो इन सब अत्याचारों को रोकने के लिए एक डाकुओं का ग्रुप उन जापानियों से जंग छेड़ देता है। अब जापानी उन डाकुओं को पकड़ने के लिए क्या कुछ करती है, और वे डाकू किस तरह उन जापानियों का सामना करती है, यही सब पता करने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना है। अब इस सीरीज का पहला विलन तो जापानीज मिलिट्री थी, लेकिन सीरीज का दूसरा विलन भी था, जिसके साथ फाइनल फाइट होना बाकी था, बट सीरीज को एंड कर दिया गया, और इस सीरीज में तुम्हें ब्लड वॉयलेंस अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाएगी। तो इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.2 out of 10। तो नंबर 2 पे है 2023 में आई ग्योंग स्योंग क्रिएचर, एक्शन एडवेंचर पे बेस है सीरीज। इस सीरीज की स्टोरी 1940 में सेट है, और बता दूं 1940 में कोरिया के ऊपर जापानियों का राज था। तो उस वक्त कोरिया के एक हॉस्पिटल में जापानी मिलिट्री कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर वहां रह रहे कोरियन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इसी तरह वो कोरियन मिलिट्री एक पुलिस वाले की रखेल को उठाकर ले जाते हैं। अब वो पुलिस वाला अपनी रखेल को वापस लाने के लिए अपने हीरो को काम पे लगाता है। अब अपने हीरो को उस औरत को बचाने के लिए किन किन लोगों का सामना करना पड़ेगा, ये सब पता चलेगा आपको इस सीरीज को देखने के बाद। इस सीरीज का कैरेक्टर बिल्डअप सही है, जिस वजह से आप उन कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, और जब उन कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होगा तो आप भी रो पड़ोगे। हाईली रिकमेंड है कि तुम एक बार इस सीरीज को देखो। तो नंबर 1 पे है 2023 में आई यू यू हकुसो, एक्शन एडवेंचर फैंटेसी पे बेस है सीरीज। तो इस सीरीज में एक लड़का दिखाया जिसे किसी की परवाह नहीं, अपने मन मुताबिक जीता है, पर एक दिन एक बच्चे को बचाते हुए मारा जाता है, और मरने के बाद इसे नर्क या स्वर्ग नहीं स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाया जाता है, और वहां के गुरु यीशुमे को एक ऑफर देते हैं कि अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस मिलेगी, और वो काम है नर्क से निकल रहे मॉन्स्टर्स को मारना। अभी यीशुके उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए क्या कुछ करेगा, ये सब पता चलेगा आपको इस सीरीज को देखने के बाद। तो इस सीरीज का फास्ट पेस होना इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और इस सीरीज को देखते देखते कब खत्म हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस सीरीज का एक्शन और स्टोरी भी अमेजिंग था, इसीलिए मैंने इस सीरीज को नंबर 1 पे रखा, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8 out of 10। तो यही थी वो 5 कोरियन सीरीज जिन्हें मैंने हाल ही में देखा है, और सोचा आपको भी रिकमेंड करूं।